महंगाई ने बस्तर के आदिवासियों की कमर तोड़कर रख दी है। लोगों का घर चलाना भी दिनों दिन मुश्किल होता जा रहा है। बस्तर में पेट्रोल डीजल की कीमत शतक लगा चुकी है। ऐसे में अब लोग जिम्मेदारों से महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में महंगाई आसमान छू रही है। क्या शहरी इलाके, क्या ग्रामीण इलाके, हर जगह महंगाई ने लोगों की जेब ढीली कर दी। बस्तर में पेट्रोल डीजल 100 के पार हो चला है। सबसे ज्यादा असर उन इलाकों में पड़ा जहां का व्यापार खास तौर पर सड़क से जुड़ा है। यहां रोजमर्रा की चीजों की कीमत में जबरदस्त उछाल आया है। सब्जी से लेकर किराना का सामान के लिए लोगों को पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। बस्तर में आदिवासी क्षेत्रों में साप्ताहिक हाट बाजार में भी लोग मजबूरन ज्यादा कीमत में खरीदारी कर रहे हैं। लोगों की माने तो अब घर का खर्चा भी चलाना मुश्किल हो रहा है। पहले कोरोना की मार, अब दिन ब दिन लगातार महंगाई बढ़ रही है। इससे जो गरीब आदमी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भार पड़ रहा है। पेट्रोल के दाम, गैस के दाम बहुत आसमान छू रहे हैं। इसके कारण सब्जी भाजी, अनाज, ये सब के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। लोग बहुत परेशान हैं। सरकार कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार को इन पर लगाम लगानी चाहिए। पेट्रोल बढ़ रहा है, इससे बहुत दिक्कतें हो रही है। कुछ भी काम करने से पहले सोचना पड़ता है काम करे कि ना करे। पहले ऐसा था, भले काम नहीं हो हम जाके उस जगह देख सकते थे, लेकिन अब पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि जाने के बाद लगता है काम नहीं होगा तो जाएंगे उसका खर्चा कौन देगा। अब खर्चा इतना हो गया है और महंगाई इतनी बढ़ गई, बुरा हाल हो गया। कोरोना आया तब भी बुरा हाल हो गया, अब तो बुरा ही हाल है। 100 का डाला पता ही नहीं चलता कब पेट्रोल डला है, कब निकला। और एक ओर कोरोना की मार, दूसरी ओर महंगाई ने लोगों को परेशानी बढ़ा दी। व्यापारियों की माने तो बस्तर के अंदरूनी इलाकों में सड़क के रास्ते ही माल की आवाजाही होती है। ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से दूसरी चीजों की कीमत में भी उछाल आया है। जिस प्रकार लगातार डीजल पेट्रोल के भाव बढ़े हैं, निश्चित रूप से उसके कारण यहाँ पे बहुत सी चीज़ों का मूल्य बढ़ा है, क्योंकि परिवहन का साधन जो जो बाहर से माल आता है वो ट्रकों द्वारा आता है, इसके कारण इस चीज़ के मूल्य बढ़ा है। और यहाँ पे मुख्य व्यवसाय बाजार हाटों में होता है, जिसके कारण व्यापारियों को दिन हर दिन बाजार घूम घूम के माल बेचना पड़ता है, जिसके कारण प्रतिदिन इसकी लागत भी बढ़ती है। महंगाई के मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत भी खूब हो रही है, लेकिन इसका फायदा जनता को होगा या नहीं ये कह पाना मुश्किल है। ऐसे में जरूरत है कि जिम्मेदार सियासत से तर महंगाई पर अंकुश लगाएं, ताकि जनता को महंगाई से कुछ राहत मिल सके। प्रशांत गजभिये, बंसल न्यूज, जगदलपुर। चलिए हम रुक करेंगे इस वक्त सीधा प्रशांत गजभिये हमारे संवाददाता का। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, ये बात सच है, इसमें कोई दौमत नहीं है कि महंगाई से आदिवासी नहीं आम जनता भी त्रस्त है, लेकिन आदिवासी चूंकि उनकी परेशानी काफ़ी अधिक बढ़ गई है, पेट्रोल के रेट बिल्कुल शतक के पार हो गए हैं, ऐसे में लोगों की और क्या मांग है? आप खुद ग्राउंड जीरो पर हैं, लोगों से, आदिवासियों से आपकी बातचीत होती है, कैसे होगा समाधान? बिल्कुल दीपक, पूरे देश में महंगाई है, लेकिन बस्तर महंगाई की दोहरी मार झेल रहा है, क्योंकि बस्तर में खास तौर पर बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जो आदिवासी ग्रामीण है वो हाट बाजारों पर निर्भर है, और यहाँ का व्यापार और व्यापारी जो है वो सड़क मार्गों पर ही निर्भर है अपने व्यापार के लिए, सामान और सारी चीजों को मंगाने के लिए। ऐसे में पेट्रोल डीजल की जो दाम लगातार बढ़ते जा रही है उसको लेकर जो है काफी यहाँ पर जो आदिवासी परेशान है, क्योंकि हाट बाजार में जितने बार भी व्यापारी जाते हैं उतने बार जो है वो दाम बढ़ाकर सामान को बेच रहे हैं, और ऐसे में वो एकमात्र हाट बाजार होता है जहाँ से ग्रामीण जो है सामान ले पाते हैं, तो ऐसे में उनको जो बढ़ी हुई कीमत है उन पर लेने के लिए मजबूर है, इसको लेकर काफी परेशान है। जब हमने ग्रामीणों से बातचीत की तो उनकी आंखों से जो है आंसू निकलने लगे, कि उनका कहना यह था कि कमाई जो है वो आमदनी बढ़ नहीं पा रही है यहाँ पर। उसके बाद जो कोरोना की मार, कोरोना में लगातार लॉकडाउन में जो है काम नहीं हो पाया, लोगों को के पास पैसे नहीं आ पाए, ऐसे में अब लगातार जो महंगाई बढ़ती जा रही है उससे उनको घर चलाने में भी काफी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ जो ग्रामीण है वो पहले जो है अपने गाँव और आसपास के लिए ही जो है निर्भर रहा करते थे, लेकिन इस बार जिस तरीके से कोरोना की मार पड़ी है उसके बाद से जो है उन्हें दूसरे हाट बाजारों तक भी जाना पड़ रहा है। ऐसे में जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं तो जो परिवहन करने के लिए जो मालवाहक जो गाड़ियां हैं उनके भी जो है उनको भाड़ा अधिक देना पड़ रहा है, तो ऐसे में वो व्यापारी भी व्यापार नहीं कर पा रहा है सही तरीके से, ना ही ग्रामीण जो है
वो सही तरीके से जो है अपने घरों की आवश्यकता की सामानों की पूर्ति कर पा रहे हैं। और स्पष्ट रूप से उनका कहना है कि सरकार को इसमें जो है पहल करनी चाहिए और पेट्रोल डीजल के दाम जब तक कम नहीं होंगे और तब तक जो है यहाँ पे माल जो है वो कम नहीं हो पाएगा, वो जो आवश्यकता के सामान है उनके रेट कम नहीं हो पाएंगे। यानी एक तरह से सीधी दोहरी मार पड़ रही है आदिवासियों पर, इसमें कोई दौमत नहीं। प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर।